नमस्कार दोस्तों, राम नवमी ये आपका चुके हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के पास। फूल ले लिए सुबह के 6 बजे हैं और आज रामनवमी का दिन है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए आज का दिन काफी विशेष है क्योंकि आज भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। सुबह उठ के दोस्तों आज नहा धो के फ्रेश होके मैं रेडी हो चुका हूँ क्योंकि आज मैं एक काफी विशेष स्थान में जाने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आरती कर ली है और भगवान को भोग भी लगा लिया है। सुबह अभी भी ठंडा होता है इसलिए जैकेट लगा लिया मैंने। नमस्कार दोस्तों, सुबह के 7 बजे हैं और मैं अभी अपने दोस्त के रूम पे जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं जा रहा हूँ आज काठमांडू वैली से थोड़ा सा बाहर, एक काठमांडू का काफ़ी प्राचीन मंदिर है उसके दर्शन करने। कहाँ जा रहे हो आज भाई? विक्की भाई क्या हाल है? बहुत लेट कर दिया यार आपने। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो आप, मैं दोस्तों के रूम पे हूँ और अब हम रेडी हो चुके हैं। दोस्तों ये फ्रेंड लोग का रूम है, थोड़ा सा माइंड मत करना, हालत ऐसी है क्या करें, अकेले रहते हैं, खुद ही करना पड़ता है मैनेज। गुरु जा रहे हैं हमारे लैंग्वेज क्लास और हम लोग जा रहे हैं आउट ऑफ काठमांडू वैली। ये हमारे भाई ये नाइट ड्यूटी करके अभी भी सो रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं। विक्की भाई है दोस्तों, अभी हम खड़े हैं बालेश्वर चौक में और दोस्तों अभी हम टेम्पो में जा रहे हैं, ये आपका कफन यानी कि चाबिल चौक तक छोड़ेगा। दोस्तों मास्क ले लिया है, मास्क की ज़रूरत पड़ जाती है काठमांडू में। मास्क तो थोड़ा सा अभी मास्क लेने के चक्कर में वो बस हमारी छूट गई है, अभी हम दूसरे बस में बैठे हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों चाबेल से निकल चुके हैं और हम जाएंगे अब सीधे नारायण। हाँ दोस्तों, काठमांडू का एक चीज़ काफ़ी अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपको कहीं भी जाना है ओवरऑल काठमांडू तो आपको गाड़ी मिल जाती है, ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है। दोस्तों अभी हम चक्रवत पहुंचे हैं जिसको नारायण गोपाल चौक भी बोलते हैं। यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो आपका सीधा बूढ़ा नीलकंठ को जाता है रास्ता, और आपका सीधे स्ट्रेट जाओगे तो आपका ये नया बस पार्क जाओ। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बूढ़ा नीलकंठ। दोस्तों यह नारायण थान टेम्पल जाने का रास्ता है। विक्की भाई कैसा लग रहा है? तरफ आगे बढ़ रहे हैं। संतोष भाई मंदिर किधर है? इधर देखिए, लोगों से भरे हुए। ऐसे फाड़ू ब्लॉगर आ गया है भाई, देख लो अब जा रहे हैं बूढ़ा नीलकंठ की तरफ। जैसे कि आप पूजा के लिए सामग्री खरीदने वाला हमारा संतोष भाई,
फूल ले लिए पूजा के लिए ना भाई, और क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सामग्री ले ली है, अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आज रामनवमी का दिन है और काफी भीड़ है मंदिर में। हमारे विक्की भाई, आप गाड़ी से आते हो तो पार्किंग करने की भी जगह दी गई है, ये काफी अच्छा है। आपका बुढ़ा नीलकंठ का मेन गेट है। बुढ़ा नीलकंठ का जो ये मंदिर है दोस्तों नारायण थान, ये काफी प्राचीन मंदिरों में से एक है। नारायण थान मंदिर में दोस्तों भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा की जाती है। जो ये नारायण थान मंदिर है दोस्तों काफ़ी लोकप्रिय मंदिरों में से एक है और भारत से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से जो आपकी मन की इच्छा होती है वो आपकी पूरी होती है। जैसा कि देख रहे दोस्तों काफ़ी भीड़ है, सभी लोग लाइनों पर लगे हुए की भाई लाइन पे लग चुके हैं। जैसा कि दोस्तों हमने दर्शन कर लिए, देख रहे हो बाकी लोग काफ़ी लाइन पे लगे हुए हैं क्योंकि आज रामनवमी का दिन है तो उसमें थोड़ा भीड़ था। बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्थान बनाया गया है दोस्तों। मंदिर के बाहर दोस्तों काफ़ी दुकानें हैं जिसमें से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे रुद्राक्ष की माला है, बहुत से पत्थर है जो यहाँ के पौराणिक सभ्यताओं को दर्शाते हैं, तो आप यहाँ आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लगा मंदिर में आके, और रामनवमी का इसी अवसर पे काफ़ी खुशी था। नीलकंठ मंदिर काफ़ी अच्छा मंदिर है दोस्तों, आप एक बार कभी आना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद आया होगा। नीलकंठ में दोस्तों एक काफी अच्छा रिसोर्ट है, अभी हम वहां जा रहे हैं। दोस्तों ब्लॉग काफी लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने ये नेक्स्ट ब्लॉग में बनाया है, आप इसको जरूर देखें।